ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आप लोगों को देवी कर्ण पिशाचिनी के सिद्धि के विषय में बताएंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट आए हैं कि आचार्य जी, आप हमें देवी कर्ण पिशाचिनी के विषय में विस्तार से जानकारी दीजिए। यकीन मानिए, आज जो जानकारी हम आप लोगों को देवी कर्ण पिशाचिनी के विषय में देंगे, ऐसी जानकारी आप लोगों को पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। कौन है देवी कर्ण पिशाचिनी, कैसा है इनका स्वरूप, क्या है इनका कार्य, क्यों है ये हृदय चक्र की अधिष्ठात्री देवी अर्थात अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री देवी, तथ्य और प्रमाण के साथ बताएंगे। हवा में कुछ भी नहीं होता, पूरा शोधित जानकारी। और यदि इस वीडियो को अच्छे से देख के आप अपने बुद्धि और विवेक को उपयोग में लाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि आचार्य जी की बात 100% सही है। देवी कर्ण पिशाचिनी को जानना है तो आपको देवी महापिशाचिनी को जानना पड़ेगा। कौन है देवी महापिशाचिनी, इसे जानना पड़ेगा, क्योंकि देवी कर्ण पिशाचिनी उस देवी महापिशाचिनी का एक स्वरूप है। अब देवी महापिशाचिनी कोई और नहीं, आदिशक्ति महामाया का नौवीं महाविद्या मातंगी महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। जितने भी पिशाच पिशाची चांडाल चांडालनी हैं, ये नौवीं महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। और नौवीं महाविद्या अर्थात पिशाची महाविद्या अर्थात देवी मातंगी महाविद्या, ये हृदय चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। कैसे है अब प्रमाण देते हैं। इस संसार में जो भी अच्छा या बुरा घटित हो रहा है वो देवी आदिशक्ति महामाया के इशारे से ही घटित हो रहा है, इसमें किसी को भी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि महामाया के माया से तो ब्रह्मा भी अछूते नहीं है, विष्णु भी अछूते नहीं है, शिव अछूते हैं, लेकिन किस तरीके से अछूते हैं इसके विषय में भी बताएंगे। कैसे भगवान शिव माया के साथ रह के भी माया से परे हैं, किसी वीडियो में संकेत दिए थे, उदाहरण के साथ समझते हैं। ये बात तो आप लोगों ने मान लिया कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसे आदिशक्ति अर्थात ऊर्जा घटित करवा रही है, चाहे वो घटनाक्रम अच्छा हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बुरा हो, चाहे बहुत ज्यादा बुरा हो। और एक घटनाक्रम घटित कैसे होता है, हृदय के भाव से घटित होता है, इसे हृदय चक्र संभालता है, इसे अनाहत चक्र संभालता है सभी घटनाक्रमों को। अनाहत चक्र से ही, हृदय चक्र से ही वो भाव पैदा होता है जो भाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि दिल की बात सुनो। अब दिल की बात सुनने में कोई 15-16 साल की लड़की घर छोड़ के भाग जाती है, दिल की बात सुनने में कोई 35-40 साल का बुढ़ा भी एक छोटी बच्ची का रेप कर देता है, दिल की बात सुनने में ही लोग पैसा कमाने के चक्कर में रिश्ते भूल जा रहे हैं, दिल की बात सुनने में ही लोग साधना भी कर रहे हैं, दिल की बात सुनने से ही लोग योग भी कर रहे हैं, और दिल की बात सुनने से ही लोग जीवन में सारा काम कर रहे हैं। अब अनाहत चक्र अर्थात महापिशाचिनी देवी मातंगी जो इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और सारे पिशाच और पिशाचिनी इसी चक्र में वास करते हैं। अब महा मातंगी का स्वरूप का वर्णन तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे भगवती काली का आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत ही भयानक दिखती हैं लेकिन गौरा के रूप में बहुत ही शांत दिखती हैं, वैसे ही देवी महापिशाचिनी मातंगी के रूप में अलग दिखती हैं। और जब ये महापिशाचिनी के रूप में हृदय चक्र में वास करती हैं तो कमल दल के ऊपर बैठ के एक हाथ में कमल और एक हाथ में जलता हुआ अग्नि लेके बैठती हैं, जिससे वो आपके दोषों को जला सके। जब हृदय चक्र आपका गड़बड़ होता है तो आपके ऊपर रोग हावी होता है, पाप करने का प्रयास आप अधिक कर देते हो, मोह
लालच लोभ पैदा हो जाता है, मन आपका पैसे के पीछे, लड़की के पीछे, अपनी यौन इच्छाओं के पीछे और पता नहीं जमीन जायदाद कितने पाप कर्म के पीछे मन भागता है, और मन को पिशाच वृत्ति कहा गया है। ये शास्त्र प्रमाण है, मन हृदय से कंट्रोल होता है और मन को शास्त्र पिशाच वृत्ति कहे हैं। इसलिए महापिशाचिनी हृदय चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब आप ऊर्जा के स्वरूप को समझकर, भगवती आदि शक्ति के स्वरूप को समझकर इसे बैलेंस रखते हो तो आप अपने दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हो, उसको काबू में कर लेते हो और आपका मन सद्गुण की तरफ जाता है, धर्म की तरफ जाता है, तो आप धर्म ज्यादा करते हो। एक व्यक्ति रोज सोचे मैं बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं तो आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि वो पिशाच वृत्ति है। लेकिन एक व्यक्ति अगर रोज सोचे मैं मेहनत करूंगा आगे बढ़ूंगा, मेहनत करूंगा आगे बढ़ूंगा, मेहनत करूंगा आगे बढ़ूंगा, और उसके अनुसार यदि वो कर्म किया तो अवश्य सफल होगा, क्योंकि ये भी पिशाच वृत्ति है। शास्त्र कहते हैं धर्म और अधर्म दोनों मनुष्य के अंदर ही छिपा हुआ है। मनुष्य के अंदर एक दिव्यता का गुण होता है, एक पैशाचिक गुण होता है, इसी दोनों गुणों के बीच में जो बैठी है वही देवी महापिशाचिनी है। जब तुम सही तरीके से काम करते हो महापिशाचिनी, अर्थात हृदय चक्र को बैलेंस कर लेते हो, तो तुम पिशाच सोच से मुक्त होके दिव्य सोच की तरफ जाते हो। यदि तुम उसे बैलेंस नहीं कर पाए तो तुम्हारा दिव्य सोच, आगे बढ़ने की सही मार्ग की क्षमता कमजोर हो जाती है। आप लोभ मोह लालच जमीन जायदाद यौन इच्छा बाहरी आकर्षण दुनियादारी इसी में ही फंस जाते हो। प्रमाण दे दिया ने, ये सारी सोच लोग कहते हैं दिल की, सुनो यही दिल, यही महापिशाचिनी देवी आपको राम की तरफ भी लेके जाती है, यही महापिशाचिनी आपको शैतान की तरफ भी लेके जाती है। चुनाव आपका है। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा या बुरा है सब देवी शक्ति हैं, इसीलिए इन्हें कौमारी कहा गया, इसीलिए इन्हें राजराजेश्वरी कहा गया, इसीलिए इन्हें काली तारा छिन्नमस्तिका भुवनेश्वरी कहा गया, बंगला कहा गया, इसीलिए इन्हें उत्कृष्ट चांडालिनी महापिशाचिनी भी कहा गया, क्योंकि जो अछूत है वो भी तो देवी का ही रूप है। अब इनकी माया से कोई बच नहीं सकता सिवाय शिव के। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो माया के ही चश्मे से देखी जाएगी, वो सब महामाया ने ही घटित किया है, और शिव को महामाया प्रभावित इसलिए नहीं कर सकती कि कहा गया है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे। जब इस हृदय चक्र में आप राम को धारण कर दोगे महापिशाचिनी महादेवी मातंगी के साथ, तो आप पिशाच सोच से यानी छोटी सोच से मुक्त होके आप अच्छी सोच में आ जाओगे। वही महर्षि वाल्मीकि जब तक उनके हृदय चक्र सही नहीं था, हृदय में राम को धारण नहीं किए थे, तब तक वो अंगुलमार डाकू थे, लूट चोरी में लिप्त थे, लेकिन जब से राम हृदय में आए तो भगवान बन गए। तो देवी पिशाचिनी आपको मुक्त भी कर सकती है, और सबसे बड़ी बात ये रोग का क्षय करती है। चीजें आपको बताती है, जैसे आप बोले ना कि दिल से सुनो, दिल से भगवान का नाम लो, उसी प्रकार ये देवी महापिशाचिनी को आपने सिद्ध कर दिया तो आपके दिल से ही आवाज निकलती है, जो आवाज सच होती है, और वो आवाज आपके कानों तक पहुंचती है, आपके मन के भाव तक पहुंचती है। इसलिए कहते हैं कि देवी कर्ण पिशाचिनी है, क्योंकि आपका हृदय उसका उत्तर दे रहा है। सामने वाला आ रहा है, आपने देखा आंखों से, आपके हृदय में उस व्यक्ति को लेके कोई संरचना बनी, उस संरचना को आपके कानों में आपके मस्तिष्क में तरंगों के माध्यम से पहुंचा दिया गया और आप उसके विषय में बता दिए, हो गया देवी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि। इसमें कर्ण मातंगी भी हैं, वो देवी के ज्यादा निकट हैं, लेकिन देवी का पूरा कुल पूरा गढ़ देवी के ही साथ तो रहेगा, भाव आ जाएंगे। अब आपको बताते हैं इनकी क्षमता क्या है,
ये आपके रोगों को दूर कर सकती हैं, किसी के विषय में सही जानकारी दे सकती हैं, आपको आपके आराध्य ईश्वर के निकट लेके जा सकती हैं, आपको पापों से मुक्त कर सकती हैं, आपको उच्च कोटि का विद्वान बना सकती हैं, क्योंकि देवी मातंगी वाक और विद्या की सिद्धि है। हमने अपने गुरुओं से सीखा है, आपकी वाणी तेजोमय हो जाएगी, आपका ज्ञान अतुलनीय हो जाएगा देवी महापिशाचिनी की सिद्धि से। लोगों के अंदर आपके ऊपर विश्वास की भावना जगेगी, आपके चेहरे में चमक आएगी, क्योंकि देवी महापिशाचिनी के सिद्धि से आप अपने अंदर की नकारात्मकता को काबू में पा लिए हो और आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ रही है, तो चमक तो चेहरे पे आ ही जाएगी। ये तो सीधा सीधा सिद्धांत है, कक्षा एक का बच्चा भी इसे जानता है, जो भी कह रहे हैं प्रमाणिक के साथ कह रहे हैं। पाप और पुण्य दोनों आपका हृदय ही कराता है, कोई दिल की सुन के माँ बाप को कलंकित करके घर से भाग जाती हैं, और कोई दिल की सुनकर वो कर्म करता है जिससे माँ बाप का मान सम्मान बढ़े। तो एक हो गया कि उसके ऊपर देवी महापिशाचिनी का पिशाच शक्ति कायम हो गया, और दूसरे के ऊपर देवी महापिशाचिनी उसके ऊपर शुभ हो गई, तो उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए अच्छा काम करने लगा। हनुमान जी के हृदय में राम जी रहते हैं, इसलिए हनुमान जी को पिशाचों का सबसे बड़ा संहारक कहा जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि उनके हृदय में राम है, अर्थात वो पैशाचिक शक्तियों से परे हैं, क्योंकि देवी महापिशाचिनी हनुमान जी को उस अवस्था में ला दी है कि जहां पे बड़े से बड़ा पिशाच भी उनके नीचे है। अब इसलिए कहते हैं राम जी का ध्यान करो, प्रामाणिकता के साथ दे रहा हूं, हवा में कोई बात नहीं दे रहा हूं। तो देवी महापिशाचिनी की सिद्धि कैसे करें, देवी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कैसे करें, इसकी सिद्धि का बहुत ही सरल तरीका है। हृदय चक्र को जागृत करें और देवी महापिशाचिनी का ध्यान करें। याद रहे देवी महापिशाचिनी के मंत्रों में स्वाहा नहीं लगता है, मात्र सह लगता है, क्योंकि यही प्रश्न देवी मातंगी की सहचरी लोग ने कहा कि माता हम आपकी गणिकाएं हैं, तो हमें भी स्वर्ग का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी स्वर्ग मिलना चाहिए, बैकुंठ मिलना चाहिए, कैलाश मिलना चाहिए, ब्रह्मलोक मिलना चाहिए, हम भी तो उच्च लोक में जाएं। तो महामाया ने कहा कि तुम मनुष्यों के ऊपर सीधा प्रभाव डालती हो, उनके रोग से उनके मन में उनके हृदय में सीधा प्रभाव डालती हो, और मनुष्यों के जीवन में घटित होने वाला जो भी कार्य होता है उसके पीछे तुम्हारा हाथ होता है, और तुम हमारी सहचरी हो और मेरे इशारे पे करती हो। इसलिए सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए और मनुष्य को माया में डालने के लिए तुम्हें धरती पे ही रहना अनिवार्य है। अब एक रहस्य की बात बता रहा हूं, धमाका हो जाएगा। हर बड़े से बड़ा सिद्ध पिशाची मंत्र सिद्ध करता है, देवी पिशाचिनी का मंत्र सिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि उसे अलग जानना है, मन और हृदय के ऊपर काबू पाना है। एक अघोरी भी पिशाची मंत्र सिद्ध करता है क्योंकि उसे अपने मन और इच्छाओं इंद्रियों पे काबू पाना है। आपकी इंद्रिय और मन जो कि पिशाच वृत्ति है, लोभ मोह लालच का कारक है, इसके लिए हृदय चक्र अगर अनाहत चक्र अगर आपका जागृत नहीं है, पिशाची देवी सिद्ध नहीं है, तो आप अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकते। यकीन मानो सिद्ध और अघोरी अवघड़ ये अपनी इंद्रियों को काबू में करके रखते हैं, इसलिए ये पिशाची मंत्र के जानकार होते हैं। अब मंत्र कैसे होते हैं, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, शाबर मंत्र। शाबर मंत्र में 5 प्रकार के मंत्र होते हैं। इसके बाद आता है पिशाची मंत्र, जिसे जदुहा मंत्र भी कहते हैं। इसीलिए सिद्ध, औघड़, अघोरी जो गुरु होते हैं वो भले राम जी का नाम ले, हम भी भले राम जी का नाम ले, लेकिन पिशाची मंत्र सिद्ध है, क्योंकि पिशाची मंत्र के माध्यम से ही पिशाचों को पकड़ा या बांधा जाता है, वो भी तेजी से। पिशाची मंत्र के माध्यम से ही पिशाच योनियों को जगाया जाता है। पिशाची मंत्र के ही माध्यम से आप मसान, अघोरी, वीर इन लोगों को जगा के इनसे अच्छा काम कर सकते हैं, करने को तो बुरा भी कर सकते हैं।
क्योंकि शक्ति है। आपको पहले ही बताया इस संसार में जो अच्छा बुरा घटित हो रहा है सब देवी घटित करवा रही हैं। तो इनकी सिद्धि कैसे हो? हृदय चक्र को जगाइए, सिद्धि बहुत सरल है। हमारे कुछ ऐसे शिष्य हैं कि जिनको बड़ी सरलता से ही बहुत इस देवी के नजदीक पहुंच चुके हैं, बहुत सरलता से। हृदय चक्र को जागृत करो, थोड़ा सा ध्यान करो, देवी के मंत्रों का जाप करो और राम जी के मंत्रों का जाप करते रहें, जगत गुरु भगवान शिव को ध्यान में रखते रहें। इतना करने मात्र से ही कुछ नियम होता है और गुरु की कृपा होती है, आराम से सिद्ध हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं अक्षति विद्या, जो अक्षत देखते हैं, जो नाम से बताते हैं, ये पिशाची मंत्र ही है। कोई ब्रह्म देव, कोई ब्रह्म पिशाच, कोई मसान, कोई थान, कोई बामटी, ऐसे ही सिद्ध करके तो बात काम होता है, पिशाची मंत्र है। और ये हृदय चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं ना, पूजा पाठ भी दिल से करो, हृदय से करो। तो आज आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा कि हृदय आपका जितना मजबूत रहेगा उतना आप बेहतर हो पाओगे। आज के लिए इतना ही, सबको राम राम।